सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने बदल दी है पूरी ही कहानी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा मकर संक्रांति पर तमाशा होता है कि वनराज सब कुछ फेंक फाक के चला जाता है तो वो काव्या चिल्लाते ही रह जाती है और कहती है तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी देख लेना, और वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। वनराज छुप छुपाते हुए बैठा रहता है लेकिन काव्या वहां पर भी चिल्लाते नजर आती है और वहां से निकल लेती है, घर पहुंचती है और तमाशा करती है। अब मैं पहले जैसी काव्या बनकर दिखाऊंगी और मेरे किसी से होने या ना फरने से फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन अब देखना मैं काव्या इज बैक। वहीं पर सभी लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, बाबा बापू जी यहाँ पर माफी मांगते नजर आते हैं, काका से हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम ना एक ही परिवार हैं। और तोशु और किंजल को अनुपमा कहती है कि तुम सबको घर लेकर जाओ और वो उसे घर लेकर जाते हैं और अनुपमा पीछे से बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अनुज उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है और एक पतंग लेकर आता है जिस पर पूरे परिवार की फोटोज बनी होती है जो कि उसने एयरप्लेन में बनाई थी। और साथ में ही फिर अनुपमा उस परिवार को पूरा करती है और अनुज की मालविका की और काका की भी तस्वीर उसमें कार्टून बना देती है और उसके बाद में वो पतंग उड़ती है। और यहाँ पर उस अनुज कहता है कि देखना ये उम्मीदों की पतंग है जो कभी भी नहीं कटेगी। जिसके बाद में यहाँ पर अनुपमा मन ही मन सोचती है कि लेकिन ये तीनों डोर तो बहुत ही उलझ चुकी है, काव्या वनराज और मालविका की, अब मैं इनको कैसे संभालूंगी। मन अंदर से कहता है देखो अगर काव्या ठीक भी थी ना तो भी वो सही बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तमाशा किया ना उसके बाद ये ऐसी हरकतें हैं जो उनको सबसे दूर कर रही है और देखने को मिलेगा। नंदिनी सोच में पड़ जाती है तो दूसरी तरफ यहाँ पर घर पहुंचकर अनुज और अनुपमा कॉफी पीते हुए इसी बारे में बात करते हैं कि भाई अनुज यहाँ पर इन दोनों को बात तो करनी ही पड़ेगी, ये सब कुछ तमाशे तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और अनुज उसे समझाने कोशिश करता है कि तुम्हें इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहिए, ये मामले इन दोनों को ही सुलझाने पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर और भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसलिए इन मामलों में मत उलझो। इतनी देर में मालविका वहां पर आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर काव्या गलत है और मैं वनराज को ही सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो इस रिश्ते में इतना ज्यादा पिस चुका है कि उसे इस रिश्ते को तोड़ना ही पड़ रहा है, इसलिए वो इस सब की बातें नहीं सुन रहा। अनुपमा और अनु समझाने की कोशिश करते हैं कि जब वो एक भी मौका काव्या को देना नहीं चाहता है तो ये तो गलत है ना, इन दोनों को तो बैठकर बात करनी चाहिए, रिश्ते में तो दोनों ही है ना। उसके बाद में मालिका कहती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी नजर में तो वनराज ही सही है, जिस रिश्ते में प्यार वगैरह कुछ नहीं बचा हो उसको तो तोड़ ही देना चाहिए। और वहां से एक एक चली जाती है और अनुपमा सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी काव्या को समझाती है और कहती है कि इस रिश्ते में सिर्फ आप बची हैं और वनराज अंकल ने तो ये रिश्ता मालिका के आने से पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए हमें यही चाहिए कि हम यहाँ से चले जाते हैं। और काव्या को बहुत बुरा लग रहा था कि वो वनराज से दूर नहीं होना चाहती, जबकि नंदिनी कहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं समर को भी भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, जैसे मैंने पहले पापा को भुला दिया और फिर उसके बाद में मैंने रोहन को भी भुला दिया तो मैं समर को भी भूल जाऊंगी। और ये सब कुछ सुनकर अनुपमा को तगड़ा झटका लगता है लेकिन काव्या अनुपमा से ही मदद मांगती है और अनुपमा कहती है कि सर उठाकर जाओ, ऐसे छिप छिपा के मत जाओ। और वो काव्या कहती है लेकिन मैं तो पहले जैसी अगर मैं बनना चाहती हूँ अच्छी सी काव्या, इसमें से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अनुपमा ही अब काव्या की मदद करने वाली है वनराज और उसके रिश्ते को बचाने के लिए क्योंकि वो मालविका की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती, तो दूसरी तरफ इसका असर सब घर वालों पर भी पड़ेगा और वनराज को झटका लगने वाला है जब ये दोनों ने हाथ मिला लिया है।